सुल्तान बैबरस ने सलीबी जिहाद के सिलसिले को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला किया ताकि आइंदा किसी दूसरी नसरानी हुकूमत को सलीबी जिहाद की आवाज बुलंद करने की जुर्रत ना हो सके। सुल्तान बैबरस दमियात पहुंचा और दारुस्सना का भरपूर जायजा लिया। इस्लामी बहरी बेड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसके बाद वो जजीरा रौदा और स्कंदरिया के दूसरे बहरी कारखानों में भी गया। बहरी बेड़े की तैयारी मुकम्मल पाकर उसने तमाम जहाजों को समुन्द्र में उतार दिया। छोटी कश्तियों के जरिए सामान रसद और घोड़े जहाजों में पहुंचाए गए। ये जहाज 24 तख्तों से तैयार किए गए थे जिन्हें लोहे की मजबूत मेखों से जड़ा गया था। इन्हें डंडों और बादबानों के जरिए चलाया जाता था। बहरी सफर और लड़ाई के लिए तैयार की गई मखसूस फौज को जहाजों में मुंतकिल किया गया। 84 छोटे बड़े जहाजों का ये बेड़ा अपने साथ 7,000 तरबियत याफ्ता लश्करों को लेकर 669 हिजरी में कब्रस के लिए रवाना हुआ। इस मुहिम की क्यादत मशहूर सालार अमीरुल बहर यहया बिन काबूस कतरेजी के सपुर्द की गई। सुल्तान बैबरस ने चलते वक्त उन्हें कड़ी हिदायत की कि वो कब्रस में मौजूद नसरानी लश्कर को इस तरह तबाह बर्बाद कर दें कि उनकी मिसाल तमाम नसरानी दुनिया के लिए इबरत की मिसाल बनकर रह जाए ताकि कोई दूसरा सल्तनत इस्लामिया की जानिब देखने की जुर्रत न कर सके। सुल्तान बैबरस के कड़े इकदाम की खबर कब्रस में मौजूद सलीबी जंगजुओं तक पहुंची तो उनमें चेमगोयां होने लगी। नसरानी सिपाही सरासीमा दिखाई दिए। लॉर्ड ह्यूक ने उनकी हिम्मत बंधाई और बुजदिलाना रवैये की मजम्मत करते हुए बहरी बेड़े का डट कर मुकाबला करने का हुक्म दिया। उन्हीं दिनों मौसम में तब्दीली पैदा हुई और बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिससे अस्करी तैयारियों के अमल में खलल पड़ने लगा। इत्तेफाकन इस अस्करी तैयारी के दौरान ही लॉर्ड ह्यूक की तबीयत में गरानी पैदा हुई और वो बीमार होकर बिस्तर से जा लगा। ये देखकर नसरानी सिपाहियों की हौसला शिकनी होने लगी। लॉर्ड ह्यूक ने उन्हें तसल्ली देते हुए खौफो हिरास से बचने की नसीहत की। दूसरी तरफ शूमी किस्मत इस्लामी बहरी बेड़ा आधे रास्ते में ही जबरदस्त समुद्री तूफान का शिकार हो गया। अमीरुल बहर यहया कतरेजी ने बतेरी कोशिशें की कि वो इस समुद्री तूफान से बचकर निकल जाए मगर किस्मत को ये मंजूर ना था। मल्लाहों ने इसे बचाने के लिए बड़ा जोर मारा लेकिन कजा के सामने कुछ पेश न चली और सिवाय दो छोटे जहाजों के तमाम जहाज समुन्द्र की भेंट चढ़ गए। लश्कर का कसीर तरीन हिस्सा इस नागहानी आफत के हाथों हलाक हो गया। सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता उन दोनों जहाजों के साथ वापस लौट आया। सुल्तान बैबरस को जब समुन्द्री तूफान और बहरी बेड़े की तबाही की खबर दी गई तो उसे बेहद सदमा हुआ। वो कई दिन तक परेशानी के आलम में डूबा रहा। ये सानिहा सुल्तान बैबरस के लिए सख्त सब्र आजमा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फौरी तौर पर तमाम बहरी कारखानों में नए बहरी बेड़े की तैयारी का हुक्म सादिर कर दिया। पुरजोश अंदाज में नया बहरी बेड़ा तैयार किया जाने लगा। कब्रस में जल्द ही इस्लामी बहरी बेड़े की तबाही की खबर पहुंच गई। उन्होंने मुसर्रत के इजहार में जबरदस्त जश्न मनाया मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी ना रह पाया क्योंकि लॉर्ड ह्यूक बीमारी के आलम में ही मर गया। जश्न सोग में तब्दील हो गया। लॉर्ड ह्यूक की मौत के बाद जब कब्रस की नसरानी हुकूमत को नए इस्लामी बहरी बेड़े की तैयारी की खबर मिली तो वो खौफ और घबराहट से बौखला उठे। उन्होंने फौरी तौर पर सलीबी जिहाद को खैरबाद कहते हुए दोस्ती के लिए सिफारत काहिरा रवाना कर दी। शायद उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अब वो अपनी साबिका रविश पर डटे रहे तो सुल्तान बैबरस उनके साथ दोबारा वही सलूक करेगा जो कुछ अरसे पहले अर्ज मुकद्दस में कर चुका था। वो जजीरा कब्रस के बाद किसी दूसरी जाय पनाह को अपने लिए ज्यादा मुफीद नहीं समझते थे। उधर दूसरी जानिब वो शनासा सा चेहरा मुतीउद्दीन को यूं हुदूद खिलाफत में पाकर दम बखुद दिखाई दिया। मुतीउद्दीन भी उसे पहचान चुका था। वो कोई और नहीं उसका मिस्री हमदर्द अरजक था जो हल्के जर्द रंग की कीमती पोशाक पहने हुए था। वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखते रहे। बिलाखिर मुतीउद्दीन ने ही इस छाए हुए सुकूत को तोड़ा। मेरे दोस्त तुम मुझे सराय में फेंक कर कहाँ गायब हो गए थे? मैं कुछ मसरूफ था मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरजक ने हैरत से दरियाफ्त किया। मैं यहाँ अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी पर एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुतीउद्दीन ने वजाहत की तो अरजक की आंखों में शुक को शुभात उभर आए। ये सिलसिला कब से शुरू किया तुमने? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम तो शायद सिपाही थे। अरजक उलझे हुए लहजे में बोला। बेयकीनी के साए उसके चेहरे पर लरज रहे थे। बस सराय में बेकार बैठे रहने पर बोरियत होने लगी थी। सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन इत्तफाकन चंद लोगों से मुलाकात हो गई जो कि अमीरुल मोमिनीन का किस्सा छेड़े बैठे थे। उनकी बातें सुनकर ख्याल आया कि क्यों ना इन किस्सों को ही जमा कर लिया जाए। बाहर से तो कुछ ज्यादा मालूमात ना मिल पाई तो ये फैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन से बराह रास्त ही उनकी जिंदगी के हालात सुने जाएं। बस यही ख्याल मुझे यहाँ खींच लाया।
मुतीउद्दीन ने तफसील से बताया। उसकी बात सुनकर अर्जब किसी सोच में पड़ गया। उसका चेहरा इस बात की गम्माजी कर रहा था कि वो मुतीउद्दीन की बात से मुतमईन नहीं हो पाया। तालीफ़ो तसनीफ का काम भी तुम कर सकते हो, यह इंकशाफ मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज है। बहरहाल तुम्हें कसरे खिलाफत में दाखिल होने की इजाज़त किससे मिली, अर्जक ने पूछा। नायब सल्तनत अमीर फखरुद्दीन लुकमान से, मुतीउद्दीन ने मुख्तसरन कहा। मेरी तुमसे जब पहली मुलाकात हुई थी तुम शायद किसी मुहिम से वापस लौट रहे थे। हाँ, उन दिनों में कलतुल मौत में बिरकाई खान की जानिब से गया हुआ था। मगर तुमने ये सवाल क्यों कर पूछा, मुतीउद्दीन हैरत भरे लहजे में बोला। कलतुल मौत, अर्जक ने खुद कलामी की और कुछ सोचने लगा, फिर तवक्कुफ से बोला, जहां तक मुझे याद पड़ता है कलतुल मौत तो फिदाइयों के कब्जे में हुआ करता था। बिल्कुल, वहां फिदाई काबिज थे मगर एलखानी हुक्मरान हलाकू खान की लश्कर कशी के बायस वो उनके हाथों से निकल गया था। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था और मैंने ही फिदाइयों के शेख और रईस को वहां से निकलने में मदद की थी। उसे शाम की जानिब छोड़कर जब वापस सराय लौट रहा था तो उसी वक्त मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। मुतीउद्दीन ने अपनी बात मुकम्मल की। वो इस मौके पर फिदाइयों का जिक्र करते हुए किसी कदर परेशान भी था। अर्जब उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर गहरी नजर रखे हुए था। वो जल्द ही भाप गया कि मुतीउद्दीन का ताल्लुक किसी न किसी वास्ते से फिदाइयों से भी है। उस लड़की का कुछ पता चला, क्या नाम था उसका, अर्जक माथे पर उंगली ठोंकने लगा। कौन सी लड़की, मुतीउद्दीन अचानक गैर मुतवक्के सवाल पर बौखला सा गया। वही लड़की जिसका तज़करा मोटा फोनाजू खान करके तुम्हें छेड़ता रहा था, अर्जक बोला। गुलवकूज, मुतीउद्दीन के मुंह से लाशौरी अंदाज में फिसल गया। हाँ हाँ, गुलवकूज, वो शायद फिदाइयों के कब्जे में थी, अर्जक जल्दी से बोला। ये तुम्हें किसने कहा, मुतीउद्दीन का रंग फक होने लगा। क्या भूल गए हो तुम, तुम्ही ने तो मुझे उसके बारे में बताया था, अर्जक ने कहा। तुम्हारी याददाश्त बड़ी ताकतवर है, मुतीउद्दीन झेप सा गया। मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया, अर्जक हंसकर बोला। कोशिश तो बड़ी की थी मगर कोई कामयाबी नहीं हो सकी, मुतीउद्दीन ने आहिस्तगी से कहा। उसके लहजे का खोखलापन उसके झूठ की निशानदेही कर रहा था। अर्जक उसकी बात पर गौर से उसे देखने लगा। तुम्हें मुझसे ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों कर पेश आई, अर्जक गहरे लहजे में बोला। क्या मतलब, मुतीउद्दीन गड़बड़ा सा गया। तुम्हारी मुतगैयर कैफियत से मैं जान चुका हूँ कि गुलवकूज के साथ तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है और तुम बखूबी जानते हो कि वो कहाँ है। तुम्हारे मसनूई लहजे से मुझे किसी साजिश का एहसास हो रहा है। कसरुल खिलाफत में तुम्हारा दिखाई देना भी किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। बेहतरी इसी में होगी कि तुम साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, अर्जक का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। देखो अर्जक, मैं साबिका दोस्ती के बायस तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ और तुम सरासर बदतमीजी पर उतर आए हो। मुनासिब यही होगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अमीरुल मोमिनीन से तुम्हारी शिकायत करना पड़े, मुतीउद्दीन बिगड़ते हुए बोला। मुतीउद्दीन, तुम्हारे हालातों बयानात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा ताल्लुक फिदाइयों से जुड़ा हुआ है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम भी फिदाई हुई हो। मैं दोस्ती के नाते से ही ये सवाल कर रहा हूँ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, अर्जक का लहजा बदस्तूर सर्द था। अर्जक, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ना तो मैं फिदाई हूँ और ना ही मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक है, मुतीउद्दीन ने नरमी से जवाब दिया। उसी लम्हे कसरे खिलाफत का एक मुहाफिज वहां पहुंचा और उसने झुककर अर्जक को ताजीम दी। मुतीउद्दीन ये देखकर हैरान परेशान रह गया। अर्जक ने मुहाफिज पर तेज निगाह डाली और वजह आमद दरियाफ्त की। सुल्तान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन को आपकी आमद की खबर हो चुकी है, उन्होंने कहलवा भेजा है कि वो अपने खास कमरे में आपके मुंतजर हैं, मुहाफिज ने कहा। अर्जक ने असबात में सर हिलाया। मुतीउद्दीन मुहाफिज की बात सुनकर दम बखुद रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अर्जक को सुल्तान का दर्जा हासिल हो सकता है। इससे पहले वो कोई सवाल करता, अर्जक खुद ही बोला, मुहाफिज, मुतीउद्दीन को हिरासत में ले लो और फिलहाल कले के जिंदान में पहुंचा दो, अगला हुक्म बाद में दिया जाएगा। मुतीउद्दीन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुहाफिज ने हुक्म पाते ही मखसूस अंदाज में ताली बजाई तो मुख्तलिफ अतराफ से कई मुहाफिज सिपाही निकल आए। मुतीउद्दीन, तुम्हें यह जानकर यकीनन सदमा पहुंचेगा कि मेरा नाम अर्जक नहीं बैबरस है और मैं बिलादे इस्लामिया का सुल्तान हूं, और सुल्तान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर मुसलमान की जान की हिफाजत करूं। तुम्हारी कसरे खिलाफत में मौजूदगी अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकती है, इसलिए तुम्हें जिंदान में ही आराम करना होगा। अगर तुम मुझे सच सच बताना चाहो तो मैं दोस्ती के एवज भलाई करने में जरा ताखीर नहीं करूंगा। मुतीउद्दीन के लिए यह इंकशाफ किसी सदमे से कम न था। वो फटी फटी निगाहों से सुल्तान बैबरस को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या कहे। सुल्तान बैबरस के इशारे पर मुहाफिज उसे खींचते हुए
जिंदान की जानिब ले जाने लगे। 1270 ईस्वी के अवाखिर में शाह कुस्तुनतुनिया क्लेमेंट के जारहाना वाज का सिलसिला उरूज पकड़ गया। शाह कुस्तुनतुनिया को शाह फ्रांस लोई नहम की नागहानी मौत का शदीद सदमा था। शाह लोई नहम की सूरत में कुस्तुनतुनिया को बड़ा तहफ्फुज़ हासिल था, क्योंकि शाह लोई नहम का दिल नसरानियत की बका के लिए धड़कता था। उसकी मौत के बाद शाह कुस्तुनतुनिया को नसरानियत का वजूद खतरे से दोचार दिखाई देने लगा। वो खासा दूरंदेश इंसान था। उसे बखूबी मालूम था कि अगर इस कड़े वक्त में वो किसी दूसरे मुआविन को अपने साथ खड़ा ना कर सका तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं होगा जब सुल्तान बेबरस की फौजें कुस्तुनतुनिया की फसीलों के साथ आन खड़ी होंगी। उसने तमाम यूरोपी फरमारवाओं को इश्तियाल आमेज खतूत लिखे। शाह कुस्तुनतुनिया के वावेले पर नसरानी फरमारवाओं के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगी, अलबत्ता दो इंग्लिस्तानी लॉर्ड वर्विक और पेम्ब्रोक मजहबी खिदमत की अंजामदही के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने शाह इंग्लिस्तान हेनरी सोइम से बाकायदा इजाजत तलब की कि वो सलीबी जिहाद में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। शाह इंग्लिस्तान ने उन्हें न सिर्फ इजाजत दे दी बल्कि कसीर माली मुआवनत का ऐलान करते हुए उनके जज्बे को बेहद सराहा। इत्तेफाकिया तौर पर उस दिन इंग्लिस्तान का वलीअहद शहजादा एडवर्ड भी दरबार में मौजूद था। वो लॉर्ड वेवरिक और लॉर्ड पेम्ब्रोक के मजहबी जज्बात से बेहद मुतासिर हुआ और उसने शाह इंग्लिस्तान से बरमला इजहार कर दिया कि वो इस सलीबी जंग की मुहिम की क्यादत करने का ख्वाहिशमंद है। शाह इंग्लिस्तान उसे अर्ज मुकद्दस में रवाना करने में हिचकिचाहट से दोचार था और मामले को टालने की कोशिश करने लगा, मगर शहजादा एडवर्ड की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके शहजादे एडवर्ड के हवाले किया। शहजादा एडवर्ड दोनों नवाबों वॉरविक और पेम्ब्रोक के साथ इंग्लिस्तान से निकला। शाह कुस्तुनतुनिया को जब शहजादे की सलीबी जिहाद की खबर हुई तो उसने उसे दुआओं और मुबारकबाद के तहाइफ से नवाजा और उसे दायमी निजात की खुशखबरी सुनाई। 1270 ईस्वी के अवाखिर में शहजादा एडवर्ड शान शौकत और जाहो जलाल से अर्ज मुकद्दस के लिए रवाना हुआ। वो तेज रफ्तारी से बढ़ता हुआ सीधा सकलिया पहुंचा। सकलिया में उसने दो माह तक क्याम किया और अर्ज मुकद्दस के हालातों आबो हवा के बारे में अहम मालूमात हासिल की। शहजादा एडवर्ड के सलीबी जिहाद की खबर हर सू फैल चुकी थी। सलीबी मफरूर सिपाही उसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए और उसके लश्कर की तादाद में खातिरखा इजाफा हो गया। सकलिया से निकलकर वो सीधा अक्का पहुंचा। यहाँ के सलीबी सरदारों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। शहजादे एडवर्ड के लिए कलाए अक्का में कयामो तमाम का खसूसी बंदोबस्त किया गया, जबकि तमाम लश्कर को कले के बैरूनी मैदान में ठहराया गया। सुल्तान बेबरस को फिलफौर नए सलीबी लश्कर की आमद की खबर पहुंच गई। सुल्तान बेबरस वक्त जाया किए बगैर तने तनहा घोड़े पर सफर करता हुआ अक्का जा पहुंचा और नसरानी बहरूप बदलकर तमाम लश्कर में घूमता रहा। लश्कर की तादाद और दीगर मालूमात के हुसूल के बाद सुल्तान बेबरस को आसानी से मालूम हो गया कि शहजादा एडवर्ड इंतहाई अय्याश और शराब का रसिया है। उसकी जानिब से फौरी तौर पर लश्कर कशी की तवक्को नहीं है। कले के शाही महल में वो शबाब व शराब में ऐसा मस्त है कि उसे ये याद नहीं कि वो अर्ज मुकद्दस पर किस मकसद के लिए आया है। सुल्तान बेबरस उसकी जानिब से मुतमईन होकर खामोशी से वापस काहिरा लौट गया। शहजादा एडवर्ड शराब की ज्यादती और मौसम की तब्दीली की ताब ना लाते हुए शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। कई हफ्तों तक सिलसिला इलाज जारी रहा। बड़ी मुश्किल से बुखार से जान छूटी तो शराबो शबाब का मुनक़ता सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। नवाबान वार्विक और पेम्ब्रोक ने अपनी तरफ से बतेरी कोशिश की कि वो शहजादे एडवर्ड की तवज्जो सलीबी जिहाद की जानिब मबजूल कराएं, मगर उनकी तमाम तर कोशिशें रायगां गईं। जनवरी 1271 ईस्वी में शहजादे एडवर्ड के पास फिदाइयों की जानिब से एक सिफारत पहुंची। कासिद ने ताजीम के बाद मुरासला शहजादे एडवर्ड को थमा दिया। इससे पहले कि शहजादा एडवर्ड मुरासला खोल पाता, फिदाई कासिद ने बला की तेजी से खंजर निकाला और शहजादे की पसली में घोंप दिया। सलीबी मुहाफिजों ने फौरी तौर पर फिदाई कासिद को हलाक कर दिया और शहजादे को तिब्बी इमदाद पहुंचाई। बाद में मुरासले का मुआयना किया गया तो वो बिल्कुल कोरा निकला। शहजादा एडवर्ड शदीद जख्मी हो चुका था। कई माह तक वो जेरे इलाज रहा। शहजादे की हालत की खबर जब इंग्लिस्तान पहुंची तो शाह हेनरी सोम तड़प कर रह गया। उसने फौरी तौर पर शहजादे को वापस इंग्लिस्तान लौटने का हुक्म दिया। शहजादा एडवर्ड कई माह बाद तंदुरुस्त हुआ तो उसका दिल टूट चुका था। 14 माह की इस भाग दौड़ में उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने अर्ज मुकद्दस में क्याम को नापसंदीदा करार देते हुए और सलीबी जिहाद को खैरबाद कहते हुए फौरी तौर पर अपनी वापसी का ऐलान किया। इस ऐलान पर सलीबी सिपाहियों को सख्त सदमा और मायूसी हुई और वो बिखर कर रह गए। मौर्रखीन का कहना है कि शहजादा एडवर्ड की अर्ज मुकद्दस में मौजूदगी और भरपूर नसरानी लश्कर से इस्लामी मकबूजात को शदीद खतरा लाहक था।
अगर वो शराबो शबाब के कजियों में न उलझता तो यकीनन अर्ज मुकद्दस पर मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान एक खौफनाक और फैसला कुन जंग लड़ी जाती। शहजादा एडवर्ड की मौजूदगी के बावजूद सलीबी सरदारों और नसरानी फौज में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने तई आगे बढ़कर किसी भी इस्लामी मकबूजात पर दस्त दराजी करते। सुल्तान बेबरस तमाम सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे हुए था। ये पहला मौका था कि उसने खुद आगे बढ़कर सलीबी लश्कर पर हमला नहीं किया था। शहजादे एडवर्ड का नाकामो नामुराद वापस लौटना मुसलमानों के लिए नेक शगुन था। उधर शेख अबू राजिया का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। उसने खुद को संभालने की नाकाम सी कोशिश की। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां मौजूद है जो इस वजनी शय को उसके जिस्म से हटा रहा था। वजनी शय के हटते ही शेख अबू राजिया सीधा हो गया। उसकी आंखें उस वक्त हैरत और खौफ से खुली रह गईं जब उसे अपने पहलू में एक लाश दिखाई दी। उसने चौंक कर सामने देखा तो वहां गुलवकूज का सरापा दिखाई दिया। शेख अबू राजिया की हालत गैर होने लगी। गुलवकूज का हाथ उसकी जानिब बढ़ा तो उसने गैर शौरी अंदाज में उसे पकड़ लिया। गुलवकूज ने मखसूस अंदाज में उसे झटक कर खींचा तो उसका जिस्म ऊपर उठता चला गया। चंद लम्हों बाद वो अपने पैरों पर खड़ा था। ये सब क्या है? शेख अबू राजिया बमुश्किल बोला। वही जिसकी जानिब मैंने कल रात इशारा किया था। ये शेखुर रईस का खास वफादार है जो मखसूस हिस्से में मौजूद तुम्हारी जिंदगी की घड़ियां गिन रहा था। गुलवकूज इत्मीनान से बोली। तुमने इसे हलाक कर दिया? शेखुर रईस को पता चल गया तो? शेख अबू राजिया के लहजे में गहरा खौफ था। गुलवकूज उसकी बुजदिली पर तिलमिला कर रह गई। अगर शेखुर रईस को मालूम हो भी गया तो वही होगा जो उसने जहन में पहले से तय कर रखा है, यानी तुम्हारी मौत का हुक्म। शेख अबू राजिया, तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा सर फटा जा रहा है सोच सोच कर, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेख अबू राजिया लाचारी से बोला। गुलवकूज उसकी बात पर खामोश हो गई। वो कुछ सोच रही थी। शेख अबू राजिया, मेरी बात गौर से सुनो। हम दोनों के सामने एक ही सवाल है। तुम भी मरना नहीं चाहते और मुझे भी मरने में जल्दी नहीं। हमारी जिंदगी सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रह सकती है जब शेखुर रईस अपने इरादों से बाज आ जाए, और ये हम दोनों नहीं जानते कि हमारे बाद कौन कौन से लोग इसकी फहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें वो मौत की नींद सुलाने का ख्वाहिशमंद है। क्या कुछ और लोग भी? शेख अबू राजिया का मुंह खुला रह गया। बीच में मत बोलो, मैं कह रही थी कि एक शख्स की जिंदगी के बायस इतने लोगों की जिंदगी को खतरा है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर शेखुर रईस की जिंदगी ही तमाम कर डालें। गुलवकूज का लहजा पुरअसरार हो गया। शेख अबू राजिया ये सुनकर यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये नहीं हो सकता, शेख अबू राजिया जल्दी से बोला। शेख अबू राजिया, सब कुछ हो सकता है, गुलवकूज अल्फाज चबा कर बोली। फिदाई हमारी बोटियां नोच डालेंगे। क्या तुम फिदाइयों पर काबू नहीं पा सकते? गुलवकूज ने इस्तेहजाया अंदाज में कहा। ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम करने में ही जिंदगी की बचत है, वरना मौत। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शेख अबू राजिया आहिस्तगी से बोला। जब शेखो रईस यहाँ नहीं था तब भी तुम ही यहाँ का इंतजाम संभाले हुए थे और तमाम फिदाई तुम्हारी बात मानते थे। गुलवकूज ने समझाने की कोशिश की। तब की बात कुछ और थी। ठीक है, तुम ना सही, मैं खुद शेखुर रईस को खत्म कर देती हूँ, मगर तुम्हें मेरे साथ अहद करना होगा कि बाद के हालात में मेरा साथ दोगे और फिदाइयों के गुस्से पर काबू पाओगे। गुलवकूज, ये हिमाकत है और मैं इस हिमाकत में तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? मैं अपनी हिमाकत में तुम्हें भी शरीक रखूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं फिदाई उमरा से साफ कह दूंगी कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही शेखुर रईस को मौत के घाट उतारा है, गुलवकूज दो टोक लहजे में बोली। ये सरासर झूठ है, शेख अबू राजिया तड़प कर बोला। उसका रंग फक पड़ चुका था। मुझे झूठ बोलने से कोई नहीं रोक सकता, गुलवकूज लापरवाही से बोली। मैं अभी इसी वक्त जाकर सब कुछ शेखुर रईस के गोश गुजार कर देता हूँ। वहां से तुम्हारी लाश ही बाहर निकलेगी। शेखुर रईस मुझे पूरे कले में कहीं नहीं तलाश कर पाएगा क्योंकि उसकी नजर में मैं कले में दाखिल हुई ही नहीं। तुम्हारी बात झूठ साबित हो जाएगी। मुझे इसी वक्त तुम्हें हलाक करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। कोशिश कर देखो, जहां तक मुझे मालूम है तुम अच्छे लड़ाके नहीं हो। शेख अबू राजिया हाथ मसलने लगा और गुसीली निगाहों से उसे घूरता हुआ थके कदमों से चलता हुआ कुर्सी की जानिब बढ़ गया और यूं बैठता चला गया जैसे वो सदियों का बीमार हो। वो अच्छी तरह जानता था कि गुलवकूज जैसी तरबियत याफ्ता और मुसल्ला औरत से जीतना आसान काम नहीं है क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल निहत्ता था। उसे ये भी खौफ लाहिक था कि अगर वो गुलवकूज की बात मानने से इनकार करे तो भी उसकी जात मुलविस हो रही थी, और अगर वो साथ देता है तो भी फिदाइयों को संभालना उसके बस की बात नहीं। अगर वो शेखुर रईस पर एतमाद करता तो भी मौत उसका मुकद्दर बनती, और अगर ऐसा ना करता तो भी वो नाहक मारा जाता। इस अजीब सी सूरत हाल ने उसे पागल कर डाला था।
वो अपने जहन के तमाम दरीचों को खोलने की कोशिश कर रहा था जहां से कोई हल निकल पाता।